नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। आज मकर संक्रांति का त्यौहार है। ये एक ऐसा दिन है जिसमें उत्तर भारतीय गंगा स्नान करते हैं तो गुजराती पतंग उड़ाकर उत्तरायण मनाते हैं, और दक्षिण में पोंगल सेलिब्रेट होता है तो पूरब में बिहू मनाया जाता है। यानी आप देश के किसी भी कोने में हो, सूरज की उपासना, तिल गुड़ और खिचड़ी का ये त्यौहार आपसे किसी ना किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। दरअसल अमित, मकर संक्रांति पर सूरज की किरणें, गुड़, तिल, गंगा स्नान, चावल और यहाँ तक कि पतंगबाजी भी कहीं ना कहीं हमें सेहत का वरदान देते हैं। उस पर दान देने का रिवाज मन की शांति देता है। आप देख रहे हैं कि मकर संक्रांति पर किस तरह देश के अलग अलग हिस्सों में गंगा स्नान की तस्वीरें आ रही हैं। कोलकाता, गोरखपुर और वाराणसी, इन तीन इलाकों की तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। मीनाक्षी, अगर हम भारतीय परंपरा को लें तो हमारे त्यौहार, रिवाज और खान पान अच्छी सेहत देने वाले हैं, और पिछले 9 महीनों से स्वामी रामदेव हमें हमारी परंपरा की अहमियत और योग आयुर्वेद के फायदे समझा रहे हैं, और यकीनन लाखों लोगों ने इससे अपने जीवन में शामिल भी किया है। और इसी कड़ी में मकर संक्रांति पर हमें रोग मुक्त जीवन का वरदान कैसे मिल सकता है, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ में उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। स्वामी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रावत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने आज देखो मकर संक्रांति की गिफ्ट भी दी है। हमारे मुख्यमंत्री जी को भी हमने कहा कि ये कोरोना से जंग और रोगों से जंग चल रही है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी हमारे साथ रहे हैं। आप लगाता जी, इसलिए स्वामी जी मैं शुभकामनाएं दे रही थी। आज हमने त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब को भी कि आप भी जो है अब सेहत का वरदान पा चुके हैं। आपको भी बहुत बहुत बधाई स्वामी जी, आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अमित भाई जी और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आपको भी सीएम सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। बहुत शुभकामनाएं अमित जी, मीनाक्षी जी, बहुत बधाई। और हमारी बहन, क्या नाम है, सुनीता जी, जो मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्री है, वो भी आई हुई है हमारे साथ। तो आज हम इस योग के अनुष्ठान में और योग और यज्ञ का, ये तो हमारा प्राचीन अनुष्ठान है, और योग यज्ञ पूर्वक ही हमने अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाया है। आइए मुख्यमंत्री जी, आइए बहन जी, आप भी आइए। बहनों को सम्मान देना चाहिए, आप उधर बैठिए। आप बैठो। तो आज गायत्री और महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा आहुति देते हुए ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम राष्ट्राय स्वाहा, इदं राष्ट्राय इदं मम। ओम आरोग्याय स्वाहा, इदं आरोग्याय इदं मम। तो सबके आरोग्य के लिए, सबके दीर्घायुष्य के लिए हमने प्रार्थना की। अब यज्ञ करते रहेंगे हमारे सन्यासी और हम योग के लिए आगे बढ़ते हैं। त्रिवेंद्र वैसे आप तो यही यज्ञ कर लो, ये बैठे बैठे प्राणायाम कर लेना। और हमारे मुख्यमंत्री जी और हम सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हुए, तो मुख्यमंत्री जी क्योंकि अभी जो है कोरोना से बाहर निकले हैं और पूर्ण स्वस्थ होकर के हमारे बीच में लौटे, इसके लिए भी एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। हम जो है थोड़ा पानी के भीतर तक चले जाते हैं, ऐसा हमारी परंपरा है कि कटी प्रदेश तक पानी में जाकर के, और जब हम अर्घ्य अर्पित करते हैं तो उसका लाभ कुछ और ही होता है। तो क्योंकि मेरी तो धोती ऐसी है, इसको कभी भी ऊंचा नीचा कर सकते हैं, तो मुख्यमंत्री जी आप ऊपर से ही अर्घ्य दे दो। सामने सूर्य देव भी बहुत सुंदर प्रकट हो रहे हैं और हम यहाँ नीचे से अर्घ्य अर्पित कर देते हैं। तो
आज की शुरुआत थोड़ा जो है वार्म अप करके योगिक जॉगिंग और सूर्य नमस्कार के साथ शुरुआत कर देते हैं। गंगा में स्नान, पतंग की उड़ान, हमारे गुजराती बच्चे जो है यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो है गंगा का स्नान, पतंग की उड़ान, गुड़ खिचड़ी का दान, बहुत प्रकार से आप करो कपाल भाते, अनुलोम विलोम प्राणायाम करो। आज हमने पूरा हिंदुस्तान यहाँ पर बैठाया हुआ, पूरा भारत आया हुआ है, तो ये योगिक जॉगिंग के दो पोज भी हम कर लेते हैं तो उससे शरीर ऊर्जा से भर जाता है। हमारे रावत साहब पहले तो खुद ये प्रचारक रहे हैं और एक मुख्यमंत्री होने के साथ साथ ही योगी भी हैं। वैसे तो ये बात सही है, योगी आदित्यनाथ जी को देखो, इंडिया टीवी के माध्यम से ही कई बार पॉलिटिकल चर्चा हुई है और इस दौरान कोरोना काल में तो योग और आयुर्वेद की चर्चा भी हुई है। अब तो वो कोरोना को हरा कर आपके साथ योग करते दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, काफी मुश्किल रहा होगा ये सफर भी कोरोना से लड़ाई का। हाँ, ये बात सच है कि हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा योग के, आयुर्वेद के, स्वदेशी के, आत्मनिर्भरता के पक्षधर रहे हैं और आज योगिक जॉगिंग और ये एक अभ्यास और ये दूसरा अभ्यास भी बड़ा अच्छा है फेफड़ों को ऊर्जा से भरने के लिए। लंबी सांस ऐसे ऐसे और हमारे ढोल नगाड़े वाले भी आ गए हैं, बजा लो तुम भी बजा लो। हाँ तुम ताली बजा लो, तुम्हारे तो भी आरोग्य मिल जाए। सूर्य नमस्कार करते हैं सर। लंबे लंबे सूर्य नमस्कार। मैं कह रहा था हमारे जो रावत साहब हैं ये तो बचपन से करते रहे, थोड़ा धीरे भाई, लंबे लंबे श्वास। तो हमने आज उत्सव का यह माहौल बनाया हुआ है। बच्चों ने कितनी सुंदर रंगोलियां बनाई ऊपर उठ जाए रावत साहब, देखो पूरा भारत का दर्शन यहाँ रंगोलियों में हो रहा है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चाहे बिहू है या पोंगल है चाहे उत्तरायण है, अलग अलग रूपों में हमारे यहाँ पर इसको मनाते हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास हमें पूर्ण आरोग्य प्रदान करते हैं। तो मैं कह रहा था रंगोली में भी पूरे हिंदुस्तान का यह दर्शन हो रहा है और आज हमारे साधकों में भी पूरा हिंदुस्तान सम्मिलित है। ये 12 अभ्यास संपूर्ण आरोग्य के लिए है और ऐसे रोज करने हैं जितना बन पाए। बाकी सिंपल आसन तो सभी कर सकते हैं, जैसे ताड़ासन है ये सब कर सकते हैं ऐसे। और हमने ये अभ्यास करा करके मीनाक्षी जी इंडिया टीवी के माध्यम से 9 महीने से ज़्यादा का कालखंड हो गया है, एक दिन भी रावत साहब हमने कोई गैप नहीं लिया, सैटरडे संडे को भी, और नो हॉलीडे, एवरीडे इज हॉलीडे, एवरीडे इज योगा डे स्वामी जी। अखंड यात्रा चल रही है, लाखों करोड़ों लोगों के रोग मिट गए। कुछ कह रहे थे मीनाक्षी जी? हाँ, मैं ये कह रही थी कि नो हॉलीडे, एवरीडे इज योगा डे। एवरी डे इज योगा डे। और लोगों की दवाइयाँ बंद हो गई हैं। कल आपने देखा था जो है श्लोक और हेतवी इंसुलिन पर डिपेंडेंट, मैंने डायबिटिक पेशेंट और वो भी टाइप 1 डायबिटीज, आज भी बैठी हुई गुड़िया, करो बेटा ताड़ासन, ये तो सब आसन बहुत अच्छा करती है, करो ताड़ासन करो, वो बताओ। क्योंकि स्वामी जी आप ये पूरे कोरोना काल की जर्नी आप बता रहे हैं को कि बिना किसी दिन छुट्टी हर दिन आपने पूरे भारत को योग कराया है और डिजिटल माध्यम से तो विदेशों में भी लोगों ने योग किया है हमारे इस कार्यक्रम के साथ साथ। मैं रावत जी से जानना चाह रही थी कि कोरोना से लड़ाई उनकी काफ़ी कठिन रही होगी, योग और आयुर्वेद ने इसमें कितना साथ दिया? आपसे पूछ रहे हैं कि योग आयुर्वेद ने कितना साथ दिया इस कोरोना की लड़ाई में। मीनाक्षी जी मुझे
इस कोविड के दौरान पिछले महीने 18 तारीख को मुझे कोविड डिटेक्ट हुआ था और साथ में मेरी श्रीमती जी भी हैं, मेरी बेटी भी, तीनों को हमको पॉजिटिव हम लोग आए थे। और उसके बाद हम लोग कुछ दिन तो घर में ही रहे, फिर मुझे एम्स जाना पड़ा और 4 दिन में मैं 5वें दिन मैं उबर गया था और मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। जो एम्स के डायरेक्टर हैं डॉक्टर गुलेरिया और डॉक्टर नीरज जो मेरा इलाज कर रहे थे, उनने कहा हम आपको ये जो दवाइयां दे रहे हैं वास्तव में इसकी औषधि नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। और आप एक तो लंग्स की एक्सरसाइज प्राणायाम ये आप जितना कर सकते हैं 10-10 मिनट 12-12 मिनट 15 मिनट ये आप ज़रूर करिए। कुछ इक्विपमेंट उन्होंने हमको दिए जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, थोड़ा लंग्स को पावर देती हैं, यानी कि पूरी तरह प्राणायाम पर उन्होंने हमको फोकस किया और भाप लेना और जो हम गरारे लेते हैं जो गगल्स इनको बोलते हैं, ऐसे 3 चीज़ों पर उन्होंने कहा कि आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना जितना कर सकते हैं। और जब 5वें दिन क्योंकि मेरे लंग्स में निशान आ गए थे तो डॉक्टर ने कहा कि बहुत जल्दी आपने रिकवरी की है, हमको भी इस तरह की उम्मीद नहीं थी। क्या बात है। तो एक प्राणायाम जो हमारे देश की विद्या है, हमारे देश जिसका जननी और सारी दुनिया को आज बाबा रामदेव जी के माध्यम से जो सारी दुनिया जिसको अपना रही है, अब तो इंडिया टीवी ने भी बड़ी भूमिका निभा दी है उसमें। मैं इंडिया टीवी को बहुत बधाई है, बहुत बहुत बधाई है को दे रहे हैं, हमारे मीनाक्षी जी को, रजत जी को, अमित जी आपको भी धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद स्वामी जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं। देन है जी स्वामी जी, तरफ और योग प्राणायाम का असर दिखाई देता है जी। और अभी पहले भी थोड़ा रूम पे कह के आए, आज हमारे साथ पूरा प्राणायाम जिस दिन से कोरोना हुआ उससे पहले भी कर रहे थे, इसीलिए कोई ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाए इनको कोरोना। और यह हमारे आज हम कह सकते हैं कि वोकल फॉर लोकल के और आत्मनिर्भर भारत के हमारे ब्रांड एम्बेसडर रावत साहब, इसके लिए भी अभिनंदन है जी, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके बारे में मैं चाहूंगा 2 शब्द कहें हमारे रावत साहब, हम वक्रासन गोमुखासन कर रहे हैं स्वामी जी। जी आज का जो दिन है, रावत जी कोई बात कह रहे हैं जी। जी रावत जी बोले, योग की जो राजधानी है, योग की जो राजधानी है वो उत्तराखंड है और मैं समझता हूँ कि लाखों लोग हर वर्ष यहाँ पर योग प्राणायाम सीखने के लिए आते हैं। इंटरनेशनल फेस्टिवल भी होता है और यहाँ पर इंटरनेशनल फेस्टिवल हमारा ऋषिकेश में होता है और जिनमें 200 से अधिक देशों के लोग भाग लेते हैं, दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ से प्रेरित होकर और दुनिया को निरोग करने का काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि दुनिया को निरोग करने का काम कर रहे हैं, कैसे आप सचेत होकर के और अपने जीवनचर्या में से 15 से 20 मिनट आधा घंटा एक घंटा निकाल करके इन 24 घंटों में एक घंटा अपने शरीर के लिए दें। और ये आरोग्य की आत्मनिर्भरता, ये आत्मनिर्भरता है और तमाम जहां एक तरह हम आरोग्य दे रहे हैं वहीं लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये हमारी जो विधाएं हैं और जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, ये आत्मनिर्भर भारत का भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि आज लाखों लोग इससे अपना आजीविका का भी पालन कर रहे हैं, अपने परिवारों को भी आगे बढ़ा रहे हैं और आध्यात्मिक सुख भी ले रहे हैं, आत्मा का सुख भी ले रहे हैं। जी बिल्कुल सर, आपने जो बात कही है वाकई में योग जो है लोगों को निरोग तो रखता ही है और साथ ही साथ एक रोजगार का भी साधन बनता जा रहा है। डेली के योगी है ये जी स्वामी जी, आज का जो दिन है कर्म योगी भी है, कुछ कह रहे थे आप
जी स्वामी जी, आज का जो दिन है वो सूरज की उपासना का दिन है, लेकिन देश के हर चौथे आदमी में विटामिन डी की कमी पाई जाती है। और सूरज और हमारी बॉडी के रोग मुक्त होने का आखिरकार ये कनेक्शन क्या है, और सूरज की रोशनी हमारे शरीर के लिए कितनी जरूरी है स्वामी जी? और सूर्य नमस्कार इसमें कितना अहम भूमिका निभाता है? जैसे मैं नग्न होकर के नंगे बदन पवन मुक्तासन उत्तान पादासन पैरों को उठा करके रोक के रखना, थोड़ा सा उठाएं आप भी रावत साहब, पवन मुक्तासन उत्तान पादासन, ये बहुत अच्छे है। एक घंटा पौना घंटा से एक घंटा जो सूर्य की रोशनी में रहते हैं उनको विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी नहीं रहती, और जब विटामिन डी और B12 अच्छे रहते हैं तो कैल्शियम भी बॉडी में पूरा एब्जॉर्ब होता है, पाचन तंत्र भी अच्छा रहता है, तो जो हम खाते हैं उससे हमें आयरन पूरा मिल जाता है। तो विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम, आयरन की डेफिशिएंसी और ओमेगा की पूरी जो सीरीज है उसको भी ठीक रखने के लिए पवन मुक्तासन उत्तान पादासन। स्वामी जी, जो आप सूर्य नमस्कार के 12 पोज भी कराते हैं, जो है जितने यदि हम वो सूर्य की रोशनी में करें तो क्या और ज्यादा फायदा मिलता है? सीधे लेट के उल्टे भी लेट जाइए रावत साहब। हाँ देखिए, दोनों हाथ ऐसे थोड़ी के नीचे, जिनको भी कोरोना हो जाता है तो उनको तो डॉक्टर भी बोलते हैं उल्टे पड़ के सांस लो। यही बताया था ना आपको? बिल्कुल यही बोला। तो सूर्य की रोशनी में योग तो करना ही है, तो सूर्य की रोशनी में कर लो लंबे लंबे श्वासों के साथ। तो सूर्य की रोशनी में योग करने से, सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, इसलिए अक्षय ऊर्जा का, अपरिमित ऊर्जा का, असीम अनंत अनलिमिटेड जो एनर्जी उसका सोर्स है सूर्य। इसलिए सूर्य की रोशनी में बैठ के, जैसे मैं सूर्य उदय हो रहा है सामने और नंगे बदन योग कर रहा हूँ, तो इससे वो सूर्य की रश्मियाँ सीधा मेरी त्वचा पर असर डालती है, और त्वचा के अंदर ही वो तत्व होते हैं जो विटामिन डी को हमारे शरीर में जो स्वाभाविक रूप से होता है उसको एक्टिवेट कर देते हैं, भुजंगासन। स्वामी जी, तब तो आप वो समय भी बताइए जिस वक्त सूर्य की रोशनी सबसे ज्यादा विटामिन डी देती है और हम अब्सॉर्ब कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई सुबह की रोशनी में तो नहीं बैठ सकता, तो क्या दोपहर में भी उतना ही फायदा मिलता है? सुबह की सूर्य की रोशनी मीनाक्षी जी, सुबह की सूर्य की रोशनी मीनाक्षी जी सबसे अच्छी होती है। दोपहर भी ले सकते हैं जिनको सुबह अवसर ना मिले, और सर्दियों में तो पूरे दिन भर ले सकते हैं। और भारत का तो सूर्य बहुत अच्छा है, जहाँ पर बहुत तेज सूरज की रोशनी आती है वहाँ थोड़ा सुबह का ही सबसे उत्तम माना गया है, और शाम के समय ढलते हुए सूरज में की रोशनी में भी बैठ सकते हैं। अब तो कोरोना काल में जो ओजोन की जो परत थी उसमें छिद्र आ गए थे वो भी भर गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जो है ओजोन में जो छिद्र हो गए थे वो भर गए हैं। लंबे लंबे श्वास, ऐसे भुजंगासन, फिर एक एक पैर को पीछे से उठाते हैं, तो ये शलभासन, एक एक पैर को उठाते और ऐसे ये शलभासन। अभ्यास के बाद फिर धनुरासन भी जितना हो जाए, रावत साहब भी करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे कमाल, अभी तो कोरोना को हरा के ही आए तब भी इतनी ऊर्जा है बैठते। बहुत खूब रावत जी, बहुत अच्छा है, ज्यादा ना कर पाए तो कम से कम धन्यवाद बहुत बहुत बटरफ्लाई कर लो साहब, रावत साहब बटरफ्लाई। स्वामी जी, हमारे कार्यक्रम में इस कोरोना से जंग, रोगों से जंग के इस अभियान में दूसरे मुख्यमंत्री हैं। पहले खट्टर साहब, एक दिन हम हरियाणा थे तो वो हमारे साथ आए थे, अभी रावत साहब हमारे साथ आए हैं, किसी दिन योगी आदित्यनाथ जी को भी लेके आएंगे, वो भी हमारे उत्तराखंड के ही गौरव हैं, वैसे उत्तर प्रदेश और देश के भी गौरव हैं। ऐसे मुख्यमंत्रियों को, हमारी कोशिश होगी एक दिन हम प्रधानमंत्री को भी अपने कार्यक्रम में लेकर के आए। वो कार्यक्रम तो सबसे विशेष कार्यक्रम हो जाएगा स्वामी जी, जरूर है। तो ये कोई कम बात है स्वामी जी, इंटरनेशनल योगा डे मनाया जो शुरू हुई है, ये जो शुरुआत हुई इंटरनेशनल योगा डे की, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद ही शुरू हुई है, जबकि योगा कितना प्राचीन है हमारे देश ने, आपने पूरी दुनिया को योग करना सिखाया, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब शुरू हुआ ये कोई कहने वाली बात नहीं है।
ये बात सच है कि वैश्विक स्तर पर यूएनओ के अंदर इंटरनेशनल योग डे का प्रस्ताव लेके आए और आज दुनिया के 200 देश 177 देशों के उसमें सिग्नेचर थे। दुनिया में कोई भी प्रस्ताव आता है यूएन के अंदर, सबसे ज़्यादा वोटिंग योग के लिए लोगों ने की, ये भी बड़ी बात है। और उसकी पहल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की यूएन के अंदर। अभी हमारे बीच में नहीं है हमारी बहन सुषमा स्वराज जी, उन्होंने उसके लिए, उस समय वो विदेश मंत्री थी, उन्होंने सारे देशों के साथ संपर्क स्थापित किया। और बड़ी बात ये थी, चलो भस्त्रिका करते हैं राहुल साहब, बड़ी बात ये थी मुस्लिम देशों ने समर्थन किया। योग में कोई मजहब नहीं है, मैं तो गाता रहता हूं जी, जाति पंथों के बंटवारे झूठ कहावे तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, सबको सन्माति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्माति दे भगवान। हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए, आपस में भेद हमें जीने नहीं देंगे, देश न रहा तो हम कैसे रहेंगे, एक है लोहू का रंग पहचान के लिए। हमने सारी ये दीवारें तोड़ दी हैं, बिल्कुल भस्त्रिका। और ये बड़ी बात है कि आज जिस तरह से हिंदू योग कर रहा है, वैसे मुसलमान सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दलित आदिवासी वनवासी हर भारतवासी विश्ववासी योग कर रहा है, बीमारियों को कंट्रोल कर रहा है, धर्म जो है बीमारियों को क्योर कर रहा है। धर्म जो है वो चाहे किसी भी शरीर में हो, शरीर तो एक ही है, धर्म भले ही अलग अलग हो, ठीक उसी तरीके से मौसम का प्रभाव भी हर किसी पर एक समान ही पड़ता है, क्योंकि खून वही है, मांसपेशी वही है, हड्डियां वही है। कहते हैं मकर संक्रांति से बसंत की शुरुआत हो जाती है, तो बदलते मौसम में किन किन बीमारियों से हमारे शरीर को बचना जरूरी है या उसे बचाना हमें जरूरी है? सबसे पहले सर्दी जुकाम बुखार, ये मौसम बदलने पर बहुत ज़्यादा लोगों को घेरता है। जोड़ों का दर्द, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम, स्किन डिजीज, खास करके डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत होती है। इसलिए बदलते मौसम में खान पान पर विशेष ध्यान रखें, हेल्दी चीज़ों को ही खाएं। आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव संस्कार में संबंधों में हम दिव्यता रखें, देवत्व का मार्ग है ये योग। तो मैं कह रहा था सब रोगों का कंट्रोल, सब रोगों का क्योर हमने करके दिखाया लाइव इंडिया टीवी के माध्यम से, SLMS ऑटोमेन डिजीज से लेकर के MND से लेकर के BP शुगर दी, गर्मी की जो प्रतिकूलताएं हैं, मौसम की प्रतिकूलताएं, आता हुआ और जाता हुआ मौसम थपेड़े मार देता है कई बार। तो अभी जैसे सर्दी, अब मकर संक्रांति के बाद उत्तरायण के बाद सूर्य और दिन बड़े होने लगेंगे, सूर्य का प्रकाश और बढ़ने लगेगा। एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक बात मैं बताना चाहता हूँ, उत्तरायण को इतनी महिमा क्यों दी जाती है हमारे यहाँ पर? अब दक्षिणायन से सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर रहा आज से, तो 95% इस यूनिवर्स में अंधेरा है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा, सब बोलो मेरे साथ, असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर मा अमृतम गमया। तो हम योग से अपने भीतर प्रकाश करते हैं। ये बाहर यज्ञ चल रहा है, ये जो हमने लोहड़ी से लेकर के मकर संक्रांति से लेकर के इन सारे पर्वों को अग्नि से जोड़ा है, और ऋग्वेद का भी जो पहला मंत्र है, अग्नि मीले पुरोहितम यज्ञस्य देवो मृत्युजम होतारम रत्न धातम, अग्नि और प्राण अग्नि है, प्राण है अग्नि, पांच भूताग्नि, सप्त धात्वाग्नि, जठराग्नि और ये प्राणाग्नि, ये अग्नि चिकित्सा को ही काय चिकित्सा, और यही हमारी मेडिकल साइंस का आधार है, प्राण है अग्नि, प्राण चिकित्सा, अग्नि चिकित्सा। तो मैं कह रहा था मीनाक्षी जी, ये तो सब हुआ ही हुआ है, योग से जीवन का निर्माण हो रहा है और निर्वाण मोक्ष की ओर, माने मस्तिष्क अज्ञान से, हृदय अश्रद्धा से, जीवन अकर्मण्यता से, अशुभ से, माने दुर्विचारों से, दुर्भावनाओं से, दोषों से, दुर्बलताओं से मुक्त हो जाते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं, और सद्ज्ञान से, सद्भावों से, सत्कर्मों से, अपने स्वरूप से, स्वधर्म से, राष्ट्र धर्म से, मानव धर्म से, अपने सेवा धर्म से हम युक्त हो जाते हैं। ये है जीवन मुक्ति की युक्ति का मार्ग योग। हाँ, और जब ऐसा जीवन हो जाएगा, कपाल भाती और अनुलोम विलोम करो सब। हमारे मुख्यमंत्री जी भी रोज कपाल भाती, अनुलोम विलोम, आइए साहब अनुलोम विलोम करते हैं, त्रिवेंद्र सिंह जी अनुलोम विलोम करो, और देखो जो हमें समाज से मिला है
उसको वापस भी लुटाओ। इसलिए आज दान का भी पर्व है मीनाक्षी जी। बिल्कुल, पतंग की उड़ान कोशिश कर रहे थे हमारे बालक, दान का पर्व है और दान से ही जो आत्मा की शांति है कोशिश में स्वामी जी वो भी मिलती है। अमित, आपके मन में बहुत देर से एक सवाल है, मैं समझ रही हूँ आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी स्वामी जी, सीएम साहब ने बताया कि कोरोना से जंग में प्राणायाम ने उनकी बहुत मदद की, तो आप भी हर बार कहते हैं कि एक प्राणायाम 100 बीमारियों को हरा सकता है, तो एक बार आप ये बता दीजिए कि रोजाना कौन कौन से प्राणायाम कितने देर तक करें, मतलब कितना वक्त होना चाहिए ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट। पांच मिनट कम से कम भस्त्रिका, सामान्य रोगों में 15 मिनट कपालभाति जो हमने अभी किया, और असाध्य रोगों में आधा से एक घंटा। अभी जो अनुलोम विलोम कर रहे हैं ये 5-5 मिनट का एक एक राउंड करके, सामान्य रोगों में 15 मिनट, असाध्य रोगों में आधा घंटा, और SL MS ऑटोमेन डिजीज MND और मस्कुलर डिस्ट्रोफी, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, एंक्रोजिंग स्पोलाइटिस, कैंसर जैसे रोगों में एक एक घंटा करवा देते हैं। लेकिन सामान्य रूप से 5 मिनट भस्त्रिका, 15-15 मिनट कपालभाति अनुलोम विलोम, और थायराइड की प्रॉब्लम है तो 5 से 11 बार उज्जाई, 5 से 11 बार शीतकारी हाइपरटेंशन और मस्तिष्क के रोगों में, और जिनको ऑटोमेन डिजीज है, न्यूरो प्रॉब्लम्स है, उनको नाड़ी शुद्धि भी करना चाहिए 11 से 21 बार तक, और जिनको धातु रोग है, डायबिटीज है, इनफर्टिलिटी, उनको बाह्य प्राणायाम भी। स्वामी जी आप ये प्राणायाम की महिमा भी बता रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी समझाएं, 7 से 11 बार तक कर सकते हैं जी, कि भोजन में खास तौर पर मकर संक्रांति के दिन चावल को अलग अलग तरीके से खाया जाता है। जैसे अगर हम नॉर्थ की बात कर ले तो यहाँ पर खिचड़ी खूब खाई जाती है, और अगर हम असम के बिहू फेस्टिवल की बात करें तो उसमें भी चावल के आटे से पीठा बनाया जाता है, ये भी एक मीठी डिश होती है। तो ये जो चावल है, ये चावल की महिमा क्या है, और दूसरा खिचड़ी खाने के लिए क्यों कहा जाता है? नौली क्रिया तो बहुत ही खूबसूरत है, सिग्नेचर आपका आसन, ये तो सुपर हिट है। तो देखो, खिचड़ी जो है ये सुपर फूड है। क्या बताया भाई? खिचड़ी सुपर फूड। तो ताली बजाओ, आज आपको सुपर फूड खाने को मिल रहा है। और ये ताली बजाना भी एक बार हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है, पूरे पतंजलि परिवार की ओर से, इंडिया हमारे परिवार की ओर से, सारे देश के योगियों की ओर से, हमारे मुख्यमंत्री जी जो हमारे योगी है, कर्म योगी है, राजयोगी है। तो खिचड़ी क्यों जरूरी है? कपाल भाती करो साहब, खिचड़ी में चावल है और इसके अंदर मूंग है, छिलका वाला मूंग बराबर की मात्रा में, फिर इसको धीरे धीरे पकाते हैं और इसमें सारी साग सब्जियां डाल देते हैं, मटर है, आलू है, टमाटर है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, पालक है, मेथी है, बथुआ है, सारी चीज़ें डाल दो, और आजकल किनोवा भी डालते हैं, किनोवा भी डाल दो। इसके अंदर जो है आप सारी दालें डाल सकते हो, थोड़ी थोड़ी सारी दालें, सारी सब्जियां, और बराबर का इसके अंदर मूंग की दाल, वो एक नियम है, और उसको गाय के घी में थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा पतंजलि का एकदम शुद्ध हींग आज डाल के बताएंगे, सब तैयारी चल रही है, पूरणपुरी की भी हमारी महाराष्ट्र की बहनें तैयारी कर रही है। पूरणपुरी में रोटी के अंदर वो दाल किसकी भरते हो बहन जी? चने की दाल। चने की दाल में सबसे हेल्दी प्रोटीन होता है। आजकल वैसे भी ये मीट और अंडा, चिकन बंद है किचन से, आउट है। क्यों? कि वो अंडे में और चिकन के अंदर बर्ड फ्लू का भय बैठा हुआ है। तो पूरणपुरी खाओ और पूरा प्रोटीन पाओ, हेल्दी प्रोटीन पाओ, पूरणपुरी में पूरा प्रोटीन मिलेगा। हमने उसके लिए न्यूट्रेला भी उपलब्ध करा रखा, हाई प्रोटीन आटा भी, और मल्टीग्रेन आटा, अच्छी चीजें खाओ पियो। तो खिचड़ी की बड़ी महिमा है। ऐसे आपस में बोलते भी है ना, अरे क्या खिचड़ी पका रहे हो? कोई आदमी गुपचुप बात करे ना, कोई सीक्रेट बात करे, क्या खिचड़ी पका रहे हो, इसका मतलब खिचड़ी जोरदार है मामला। स्वामी जी खाने पीने की बात हो रही है, मुख्यमंत्री जी भी खिचड़ी कभी कभी खाते हैं ना? खूब खाता हूँ, खिचड़ी के प्रिय है हमारे मुख्यमंत्री जी भी। नहीं, ये बाकी इनको सर्वाधिक प्रिय है,
जी कुछ कह रहे थे जी। खिचड़ी तो वैसे ये भी एक ड्राइव चली थी और उसके बाद जिन लोगों को नहीं भी पसंद थी खिचड़ी उनकी भी फेवरेट बन गई है। बहरहाल स्वामी जी, मकर संक्रांति में आपने खिचड़ी का महत्व तो समझाया लेकिन गुड़ का भी बहुत महत्व है। आप हमेशा गुड़ और मधुरम को इस्तेमाल करने की बात कहते आए हैं, तो सेहत के लिए गुड़ कैसे अच्छा है और खास तौर पर जो शुगर पेशेंट्स हैं उनके लिए? कपाल भट्ट, गुड़ के, हाँ देखो गुड़ के अंदर और शक्कर के अंदर उसके अंदर सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। चीनी के अंदर उन सबको धो देते हैं और खास करके कैल्शियम और सल्फर का उसमें प्रयोग करते हैं तो और सॉरी उसमें केमिकल्स और सल्फर का प्रयोग करते हैं तो उससे वो सारे उसके पोषक तत्व धुल जाते हैं। गुड़ के अंदर आयरन होता है, गुड़ के अंदर कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, गुड़ शक्कर के अंदर जो है सारे पाचक रस होते हैं, उसके अंदर आपके सारे विटामिन न्यूट्रिएंट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हम लोग जो है चीनी खाने लग गए और बाकी आर्टिफिशियल जो भी शुगर है वो लेने लग गए। भाई गुड़ और शक्कर, देखो कल इस बिटिया को, इधर आओ बाबू, ये हेतवी है, कल इसको मैंने आप ही के सामने जो है वो खिलाया था, इधर आ जाओ। ये गुड़िया जो है, अच्छा इसको कल मैंने क्या खिलाया था? चिक्की। किसकी? गुड़ और तिल। गुड़ और तिल की चिक्की बोलते हैं गुजरात में, इसको खिलाई थी। हाँ और अब शुगर तो नहीं बढ़ा? 78। देखो एग्जाम्पल है लाइव, कितना है अभी? 78 है। कल इसको दो बार खिलाया था मैंने गुड़ की चिक्की, गुड़ और तिल। मैंने बोला था तिल के ही लड्डू, तिल के लड्डू भी आज आपने जो बनाई थी वो भी खाई, आपने जो बनाई थी वो भी खाई, वो तीसरी बार दो तीन बार खाया इसलिए कल। लेकिन अब ज्यादा नहीं खाना, थोड़ा थोड़ा ही खाना। इसे बेटे की इच्छा थी स्वामी जी, इसको 25 यूनिट लगाना पड़ता था इंसुलिन। तारी इच्छा आती ना मारे स्वीट खाई ने जावानो से तो स्वीट आप ही दी दो ना, पर ये मैंने कहती थी मारे आइसक्रीम खावानी से तो आइसक्रीम नहीं आपी, शू आपियो? गोलनी चिक्की। तो गुड़ खाना, आइसक्रीम नहीं खाना, ठीक है? और चॉकलेट भी नहीं खाना, तो नहीं खाएगी भाई। गुड़िया के लिए ताली बजा दो भाई, इतनी अच्छी बेटी है। अच्छा मीठा खाओ, तो अच्छा मीठा है गुड़, वो हेल्दी मीठा है। हेल्दी मीठा खाओ, हेल्दी ग्रेन, हेल्दी फ्रूट्स, हेल्दी ड्रिंक्स। जी स्वामी जी, खाने पीने की पेप्सी, ये क्या बियर हेल्दी ड्रिंक ले वाइल्ड लोग को तो जो से बनती। अरे मैंने कहा जो का आटा खा, जो का दलिया खा, अंगूर खा, द्राक्ष खा, द्राक्ष ला। अच्छा स्वामी जी, कितनी साफ बात है, डायबिटीज वालों को कभी कम हो जाए तो ले लो। द्राक्ष जो का दलिया खाने से वाइन क्यों पीते हो? या जौ को आपने एक खास तरीके से पकाना सिखाया था उससे नशे की आदत दूर हो जाती है और वही जौ जो है वो बियर बनाने में भी काम आ जाती है। एक ही चीज की आदत दूर हो जाती है, किडनी पूरी अच्छी हो जाती है। हाँ, किडनी की कभी कोई बीमारी नहीं होती है। एक ही चीज नुकसान भी कर सकती है, फायदा भी कर सकती है। ये कितना बड़ा एक उदाहरण जो है हमारे इस कार्यक्रम के जरिए स्वामी जी के माध्यम से पूरा देश और दुनिया सीख रही है। स्वामी जी, मकर संक्रांति पर अलग अलग राज्यों के खान पान की झाँकी, तब से अमित कह रहे हैं कि लगराज कुछ बहुत खास वहाँ पर हो रहा है, तो ये अहमियत भी आप समझाइए, खान पान की अहमियत क्या है? तो देखो कपाल भाती, अनुलोम विलोम तो बता दिया, ये भ्रामरी उद्गीत भी रोज 5-7 बार करना है और नाड़ी शुद्धि जिनको SLMS ऑटोमन डिजीज न्यूरो प्रॉब्लम्स हैं तो एक एक बार कर लेते हैं सब भ्रामरी और उद्गीत भी आराम से। भ्रामरी करना 5-7 बार, उद्गीत, ओंकार, ध्यान, गायत्री ध्यान, लंबा गहरा श्वास, ओ ब्रह्मांड का प्रथम उद्घोष है। ओंकार ये वेदों का सार है, सम्मंत्रों का सार है, योग अध्यात्म का सार है। ओम इति दम सर्वम, ओम इति ब्रह्म। जो कुछ इस जीवन में, भूत भविष्यत वर्तमान में, इस त्रिलोक में जो कुछ है, ओम उसका सार है, तो ओंकार। और आइए, ओम भूर्भुवस्वः
तत्सवितुर्परे न्यंभर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओंकार और गायत्री का ध्यान करने से दिव्यता का आधान होता है हमारे देह में। सारे ब्रह्मांड की दैवी शक्तियां हमें आशीष देती, हमें ऊंचा उठाती हैं, और सारा संसार हमें, सारा ब्रह्मांड हमें सब कुछ दे रहा है, तो हम भी देना सीखें। इसलिए आज दान का भी पर्व है भाई। हमने तो अपना पूरा जीवन ही दान किया हुआ है। भगवान मेरा ये तन मन धन जीवन संसार के लिए हो, उपकार के लिए हो। हम तो और एक भजन भी गाते हैं ना, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। तो अब ये आज भजन भी हो गए, आओ साहब अब कुछ खिलाते पिलाते चलो। स्वामी जी तो एक बार रंगोली वाले बच्चों के लिए मैं खास तालियां बजा दो, कितनी सुंदर रंगोली बनाई है। आइए सर। अरे ढोल तुम भी बजा दो फिर से दोबारा। ए जवानों, जोरदार भाई तालियों से अभिनंदन है, बहुत बहुत बधाई हो मकर संक्रांति की सारे देशवासियों को। और आज नए नए व्यंजनों के साथ हम ये शुरुआत कर रहे हैं, अब आगे योग शास्त्र के साथ पाक शास्त्र की। और ये दान के भी व्यवस्था की हुई है, तो खिचड़ी बनाते पहले तब यहाँ आओ मुख्यमंत्री जी धराज। तो आज जो है ये सारा कार्यक्रम चल रहा है, अब गाय का घी डाल देते हैं हम, गाय का घी या तिल का तेल सबसे अच्छा होता है, तो गाय का घी तो डाल दिया हमने, और गाय का घी डाल करके और अब जो है कार्यक्रम शुरू होता है खिचड़ी का। तो खिचड़ी में क्या करना, थोड़ा सा इसके अंदर डाला जीरा और थोड़ी सी इसमें अजवाइन डाल दें, और जो है थोड़ा सा इसके अंदर हल्दी भी बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए। अब तो हल्दी वाला दूध जो है गोल्डन मिल्क वो पूरी दुनिया में ही प्रसिद्ध हो गया है। और इसके साथ साथ ये हींग, स्वामी जी तड़का तो बिना लगे बात बनती नहीं, हींग के तड़के की जो खुशबू है थोड़ा वो बहुत जल्द हमें भी मिलने वाली है। तो अब आप हींग तो डलवा रहे हैं, रावत जी से जरा उनसे पूछ भी लीजिए कि वैसे कुकिंग स्किल्स उन्हें आती है, पाक शास्त्र में कुछ विद्या आती है, या आज आपके साथ पहली बार कुकिंग कर रहे हैं। कह रहे हैं कुछ पाक शास्त्र भी आता है या हमारी बहन जी बनाती रहती है। खिचड़ी तो आती होगी, खिचड़ी बना लेता हूँ। खिचड़ी मेरा भी बड़ा प्रिय है जो है ना, ये जो खिचड़ी है ये इतना अच्छी है ये खिचड़ी कि ये कोई भी बना सकता है, और ये सबसे हेल्दी होती है। तो खिचड़ी तो हमारे राउत सर भी अच्छा बना लेते हैं। अब तुम पूरण पूड़ी बनाओ, कैसे बना रही थी। हाँ पूरण पूड़ी भी बना रहे हैं, तब तक हम खिचड़ी में छोंक लगा देते हैं। स्वामी जी आप इतने व्यंजन दिखा रहे हैं, साथ में ये भी बता दीजिए कि दिन में कितनी बार खाना खाए, ये देख के तो लगता है खाते ही रहेंगे। कितनी बार खाना खाना चाहिए स्वामी जी दिन में। तो खाना जो है सुबह का नाश्ता जो है वो हल्का होना चाहिए। अब देखो ये बनाई पूरण पूड़ी, पहले जो है थोड़ा बेल दिया, उसके अंदर ये दाल भर दी है ना, और दाल भर के फिर इसको बेल दो। अब देखो दाल भर के, चलो मुझे भी बेलनी आती है। अरे अभी मैं सीख गया हूँ। बहुत गोल गोल रोटियां बना लेते हैं स्वामी जी। ए, गोल बोल दी थे, पूरण पूड़ी पहली बार बना रहा हूँ। हाँ अच्छी बनाई ना रावत साहब, पास है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने पास कर दिया मुझे। 100 में से 100 नंबर, पास ही नहीं डिस्टिंक्शन के साथ। तो स्वामी जी ब्रेकफास्ट से काम नहीं चलेगा, मेरे को नंबर दे दिया आप लोगों ने, बताओ। मुझे लगता है लंच डिनर और उसके बीच में और भी बहुत सारे कुछ हाँ। खाना पड़ेगा जितना है यहाँ। अभी भिजवाते हैं आपके लिए पैक करके। हाँ देखो ये तो
थोड़ा सा सेंधा नमक और डाल देता हूँ, कभी भूल ना जाऊँ। और इसके अंदर ये सारी साग सब्जियाँ भी डाल देते हैं, तो सारी साग सब्जियाँ भी डाल दो इसके अंदर। इसके अंदर थोड़ा सा सेंधा नमक भी डाल दो, जो है थोड़ा सा, ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। और किसी को थोड़ी मिर्ची प्रिय हो, वैसे तो मैं मिर्ची प्रिय नहीं हूँ, थोड़ी सी लाल मिर्च जो है वो पेट को साफ करती है और कलर भी अच्छा आ जाता है, जिंदगी पूरी कलरफुल होनी चाहिए। तो ये तो खिचड़ी में रंग आने लगा है, हेलो इसे उठा लेते हैं। तो और इसको थोड़ा सा घी और डाल देंगे तो और ज्यादा स्वादिष्ट हो जाएगी। हाँ जी चलो, आज पूरन पूरी पहली बार बनाई है और ये तो फूल भी गई रे पूरी की पूरी। वाह है, देखो भाई स्वामी जी लग नहीं रहा है कि पहली बार आपने बनाई है पूरी। हाँ देखो ये तो पूरी पूरन पूरी फूल गई है भाई। हाँ तो ये सबसे पहले पूरी का भोग जो है वो आज हम मुख्यमंत्री जी को ही लगाएंगे लेकिन उससे पहले और बहुत कुछ दान करना है। ए वो पहले क्या नाम है, बिहार वाले किधर है? इधर आओ बहन जी, इधर आ जाओ आप। मुख्यमंत्री जी बिहार वाले आओ, आओ जी। यू हम जो है बिहार वालों का चिवड़ा और दही, ये पतंजलि का दही भी है मुख्यमंत्री जी, ये आप दान करो इनको, ये हमारे बिहार ये वालों तो भूल ही गई थी। चलो जोरदार अभिनय करो, बिहार में भी बिहार आती रहे। दही दही चूड़ा और देखो ये आदमी पहले दारू पीता था, अब इसने छोड़ दिया, इसके लिए जोरदार ताली बजा दो। बहुत अच्छी बात, नशा मुक्त समाज बने, इससे ज्यादा खूबसूरत बात और क्या। भारत वाले ए नॉर्थ इंडियन आ जाओ, उत्तराखंड वाले आ जाओ, उत्तर उत्तर भारत वाले उत्तराखंड वाले आओ। स्वामी जी ये विभिन्न व्यंजन जो है आप सभी को खिलाएं, तब तक हम बता देते हैं कि कल का क्या खास कार्यक्रम हम दिखाने वाले हैं। बच्चे के दिल में जन्म के साथ ये छेद होना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बन गई है। योग और आयुर्वेद में क्या है इसका उपचार और कैसे ठीक किए जा सकते हैं बर्थ डिफेक्ट्स, बताएंगे योग गुरु स्वामी रामदेव इसका फुल सोल्यूशन। क्या बात है स्वामी जी हंसी के ठहाके लग रहे हैं। ये दक्षिण भारत वाली किधर है? आ जाओ साउथ इंडियन आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। जी स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, रावत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखिए मकर संक्रांति पर देश भर में श्रद्धालु कैसे लगा रहे हैं आस्था की डुबकी।